और इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बता दें, जोशीमठ में बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत में उनका ये दौरा है। जोशीमठ में संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ वो संवाद करेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर वित्त मंत्री को लेकर, जो की दोपहर 12:45 पर हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचेगी। उत्तराखंड का उनका 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आते हुए निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, जहां वो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12:45 पर वो जोशीमठ पहुंचेंगी, वहां वो बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करेगी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां पर वो पहले संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करेगी, इसके साथ ही आगे के क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं, और आज वो सबसे पहले जोशीमठ जाएंगी, जहां पर वो छात्र छात्राओं के साथ जो श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय है उनके छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगी। और ये उनके कार्यक्रम की जो पूरी जानकारी है वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय उन्होंने दिए है। और उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि जो वित्त मंत्री हैं उनका जो हेलीकॉप्टर है वो 12:45 पर जोशीमठ पहुंचेगा, और दो महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के वो साथ संवाद करेंगी, और साथ ही साथ 3:30 बजे वो जोशीमठ से सड़क मार्ग के माध्यम से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगी, और रविवार को वो सुबह दर्शन करेंगी, और 9:15 बजे के करीब तकरीबन जो वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रथम गांव अब कहा है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, और साथ ही साथ 1 घंटा वहां पर रुकेंगी। और इसके बाद तकरीबन दोपहर 11:30 बजे के आसपास जो वित्त मंत्री का हेलीकॉप्टर है वो देहरादून के लिए वहां से रवाना होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बड़े दौरे यहां पर केंद्रीय नेतृत्व के हो रहे हैं, ये एक बड़ी उम्मीद के तौर पर उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोशीमठ का दौरा है, उत्तराखंड दौरे पर है वो 2 दिवसीय, वहीं रविवार को वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दोपहर 12:45 पर वो जोशीमठ पहुंचेंगी, जहां पर वो संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करेंगी।